घर वाला क्या कह रहा है सर? घर वाला तो इसका यहाँ मिला ही नहीं, घर वाले से बात कोई बात हुई फोन नहीं, मेरी कोई बात नहीं। मैं रखने के लिए तैयार हूँ और मेरे साथ में रहे, मैं कितनी लुगाई रख रहा हूँ क्या रख रहा हूँ, तो वो तैयार है रखने के लिए। ये देखो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है रखने से और पुलिस प्रशासन फिर से बुलाया गया है और अब महिला सेल में लेके जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। बिल्कुल महिला थाना में, क्योंकि घर मांगर रखे नहीं गए और बिल्कुल पुलिस प्रशासन दोबारा बुलाया गया है ससुराल वालों की तरफ से। अब रख ही नहीं रहे हैं, कल कुछ हो जाए क्योंकि उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा, और बिल्कुल नहीं रखने से साफ साफ मना कर दिया है पुलिस प्रशासन को। फिर से इसमें कष्ट उठाना पड़ा है, आगे जो भी प्रक्रिया होगी जरूर दिखाई जाए क्योंकि कोई मान सम्मान ना बढ़ेगा ना छोटेगा ना पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इन कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज की भी। हम इन दोनों पार्टियों को महिला थाना ले जा रहे हैं। अच्छा, पत्नी ये आरोप भी लगा रही, पति ने दूसरी शादी कर रखी है। पत्नी तो घर को सबूत तो नहीं दे रही है, सबूत नहीं दे रही। हाँ, ये कह रही है दूसरी शादी कर रहा हुआ, यहाँ कोई गांव वाला भी नहीं कर रहा, बिक्र रहा है। घर वाला क्या कह रहा है सर? घर वाला तो इसका यहाँ मिला ही नहीं, घर वाले से बात कोई बात हुई फोन नहीं, मेरी कोई बात नहीं। मैं रखने के लिए तैयार हूँ और मेरे साथ में रहे, मैं कितनी लुगाई रख रहा हूँ क्या रख रहा हूँ, तो वो तैयार है रखने के लिए। अच्छा अच्छा, अभी ये है ये मना करिए, ये घर के चक्कर में है कि मैं घर ही रहूंगी, आदमी नौकरी करे तो उसके साथ रहूंगी, आदमी नौकरी करे तो उसके साथ रहोगे। तो आपने इसके पति को बुलाया है? पति से बात हुई है, वो बोल रहा है कि मेरे पास आ जाओ और इधर रहो। अच्छा, ये आरोप लगा रही है ना कि इसने दोबारा शादी कर रखी है। अच्छा, कोई कोर्ट में केस कोर्स भी चल रहा है क्या? कोर्ट का केस चल रहा है, वो कह रहा है कोर्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी होगा ना उस हिसाब से काम होता है। अभी ये बता रहे हैं इस हिसाब से कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट का जैसा चल रहा है ना उस हिसाब से काम हो जाएगा। तो आप क्या, अभी इनको महिला थाना में लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई साहब के रहने वाली बात तो इसी आ गई, जो लोग निवेशक हो है उनकी घरवाली घर में रेस के। अच्छा अच्छा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पति पति बोल रहे हैं मैं अपने पास रखूं, पति पास रखना चाहता तो ले जा सके है, लेकिन जो ब्याही आ गई और जिस दिन हमने लड़की है भाई उसका खसम है, घरवाला है, फौज में नौकरी करे कितने नौकरी करे है, तो उसके बच्चे घर पर रहे हैं, रहे तो वो रह सके ना घर पे, कोई ना घर चाहिए प्रॉपर्टी भाई। नहीं, इसका कहने का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इसने अपना घर आना चाहिए, घर बसाना है या प्रॉपर्टी। मैंने घर बसाना है, तो घर बसाना है तो आप इज्जत से आड़े रहो, और एक बार चाल की जो स्टाफ आया हुआ है अपना जींद का, वो आपके जो लिखित पड़ी थे वो महिला थाने में करवाना चाह रहे हैं, वहाँ जाके आपका फैसला होगा। यानी नीलम एक सवाल है, आपके पति आप बोल रहे थे भाई दूसरी शादी कर रखी है, लेकिन गांव वाला कोई भी एक भी ये नहीं कह रहा भाई शादी कर रखी दूसरी। भैया एक का इनका कोई बैंड पूरे गांव का नहीं, पूरा गांव का एक क्लास हो गया क्या? गांव का एक का है, बिल्कुल 100% एक का है। नहीं, आपने ये भी बोला था ना कि भाई आपको बताया गया किसी ने कि शादी कर ली, पूरा गांव बता रहा है, आज वो पूरा गांव मना कर रहा है, पूरा गांव इनके पक्ष में है, जो काम आप कर रहे हो करवा रखी भैया नहीं लेगी तो होगा पत्नी को। जो आपको ये बता रहा था कि उसने शादी कर रखी है, गांव को झूठा बता रहे हो आप? गांव झूठा बोल ला रहे भैया, मैंने सारा गांव कह ला रहा हूं शादी कर रखी है। नहीं है भाई, सुनो, एक इंसान झूठ बोल सका है, दो बोल सका, 10 बोल सका, पूरा गांव तो झूठ नहीं बोल सकता यार। पति आपको रखने के लिए तैयार है, फिर उसके साथ रहने क्यों नहीं आप? मैं रहूंगी भैया, रहोगे? रहूंगी। बाहर रोड रहोगे? हां, आड़े आगे ले जाएगा, चल जाएगी या चल जाएगी या ले जाएगा, मैं चल जाऊंगी। चलो भाई, चलो ये भाई अपने पूरा मामला देख लिया, मतलब पति रखने के लिए तैयार है और अब महिला साल में लिखित में लेंगे ताकि कल कोई घटना भी, अब भाई जितेंद्र भाई का पूरा पूरा योगदान रहा है। ये देखो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है रखने से और पुलिस प्रशासन फिर से बुलाया गया है और अब महिला सेल में लेके जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। बिल्कुल महिला थाना में, क्योंकि घर मांगर रखे नहीं गए और बिल्कुल पुलिस प्रशासन दोबारा बुलाया गया है ससुराल वालों की तरफ से। अब रख ही नहीं रहे हैं, कल कुछ हो जाए क्योंकि उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा, और बिल्कुल नहीं रखने से साफ साफ मना कर दिया है पुलिस प्रशासन को। फिर से इसमें कष्ट उठाना पड़ा है, आगे जो भी प्रक्रिया होगी जरूर दिखाई जाए क्योंकि कोई मान सम्मान ना बढ़ेगा ना छोटेगा ना पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इन कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज की भी, सुनाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज की भी। और ये लड़की है जो नीलम, अब किस्मा कोर्ट है किस्मा नहीं, ये कानून का दायरा में रहेगा, मेरा लगेगा, बाकी इन पंचायती तौर पर फैसला करने से मना कर दिया है। बिल्कुल बैठ का ये कोई बात नहीं करना चाहते हैं।
और निकाल दिया। आप देख सको हो, साफ साफ कह दिया कि हम नहीं रखना चाहते इसको, आप लेके जाओ, एक मिनट भी नहीं हम रखना चाहते। बाकी महिला सेल में अब ये जा रहे हैं, जो भी हो गया किक प्रक्रिया आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इतनी अपडेट है, धन्यवाद। देख सकते हैं तस्वीर जो महिला सेल में है, अब जो नीलम नाम की जो महिला थी अमराइडी में जिसकी शादी हो रही थी, वो जाने लग रही है क्योंकि ससुराल वालों ने जो रखने से साफ साफ मना कर दिया है। और डायल 112 भी आई हुई है, आप देख सकते हो, और कोई भी जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है। इस कारण घर वालों ने, जो ससुराल वाले, उन्होंने रखने से बिल्कुल मना कर दिया है। आप देख सको डायल 112 आई है, दोबारा से कॉल करके बुलाया गया है। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक ज़रूर दी जाएगी। फिलहाल जो नीलम है वो डायल 112 के साथ जा रही है। आप देख सको पीछे जेठ जी भी आ रहे हैं, ससुर जी भी आ रहे हैं, और बिल्कुल मना कर दिया रखने से साफ साफ। और अब ससुराल वाले हैं जो, वो भी साथ में चल रहे हैं। फिलहाल की इतनी अपडेट, आगे जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुँचावेंगे। बाकी जो समाज में यूँ हो रहा है भाई, मतलब रिश्ते तार तार हो रहे हैं, कहीं किसी चार चार पाँच पाँच साल रिश्ते न्यू डिस्ट्रीब्यूट में चले जावा, फिर मन नहीं मिलते और फिर ससुराल वाले भी नहीं रखना चाहते। अब किस में कमी है, ये वीडियो आपने सारी देख ली A to Z, जरूर कमेंट करके बताना भाई इस समस्या का क्या समाधान हो। जय हिंद, जय हरियाणा।